अगर आप ऐसे चलते हैं और अमीर है और लड़की घर रिश्ता लेने जाए तो मोहल्ले वाले कहेंगे लंगड़ा है, लेकिन लड़की का बाप कहेगा नहीं बेटा अमीर लोग ऐसे चलते हैं। हाँ तो भाई क्या हाल सबके, वेलकम हो गया सबका हमारे चैनल फनवीर बादशाह पे। दोस्तों यार पाकिस्तानियों की मैं क्या तारीफ करूँ भाई, हम पाकिस्तानी तो इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं कि अगर किसी बंदे के माथे पे गोली भी लग जाए ना तो लोगों ने आके यही कहना है कि भाई मुबारक हो आंख के पास गोली लगी है, आंख बच गई इसकी। तो बहरहाल दोस्तों पाकिस्तानी फनी वीडियोस की सीरीज के इस पार्ट में भी हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुन कर पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी मजाकिया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं बजाते, ऐसे वाले ऐसे हाथ खोलो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगी, आप सबने इसे एंड तक देखना है और लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो भाई हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इस बंदे के काम चेक करें कि जिसने तो अपने वॉशरूम में भी पंखा लगा लिया है। और ये भाई साहब इस जगह पर अपना मुंह धो रहे होते हैं, लेकिन जरा आप लोग देखें कि इसका दोस्त इसके साथ क्या सीन कर देता है। और वैसे यार हर शादी में आप लोगों को इस जैसे बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे लोग जरूर मिल जाते हैं, अब जरा आप लोग इसी के काम चेक करें। बस हमारे वीडियो बन दी भाई है। हाँ हाँ बन दी भाई है, बन दी भाई है। गाना गाना बादल से धूल पट्टिया। और दोस्तों आप लोगों ने वो वाली कहानी तो सुनी होगी कि जिसमें एक बाप अपने बेटों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए उन्हें लकड़ियों का गट्ठा तोड़ने का कहता है। तो भाई यही वाली कहानी जरा आप लोग इस बंदे की जबानी सुने। सारे भरा आपस से लड़दे बहुत सारे, अब्बा जी ने सानू कट्ठियां करके लकड़ियां का गट्ठा मंगवाया ते सानू कहंदे ने तोड़ो। मैं कल ही लकड़ियां का गट्ठा फड़ के ना तोड़ देता। अब्बा जी ने मेनु चपेड़ा मारिया, मेनु कहंदे ने किसे ताकतवर मां दे बच्चा सारे हलाके सबक दी भैन कढ़ दित्ती आ। तो भाई सबसे पहले तो जरा आप लोग इस क्रिकेट मैच के दौरान कारी 70 से रिलेटेड इस बंदे की कमेंट्री भी सुने। कारी 70 बहुत खतरनाक बॉलर है, इसके सामने एक बैट्समैन भी खड़ा नहीं हो सकता है, इस बहुत एक्सपीरियंस वाला बॉलर है। तो यार ये बंदा कारी 70 की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है, कारी 70 का कोई चाचा तो नहीं लगता, वाकई में अच्छी बॉलिंग करवाता होगा ये तभी कह रहा है। तो चलिए जरा इसकी बॉलिंग भी चेक करते हैं। अभी कारी 70 पहुंचने वाला है, कारी 70 आया, कारी 70 का ब्रेक फेल हो गया है। बहुत खतरनाक बॉलर है, इसके सामने एक बैट्समैन भी खड़ा नहीं हो सकता है। भाई मैं इस कमेंट्री करने वाले बंदे से कहना चाहूंगा कि ओ मामा, कारी 70 के सामने कोई बैट्समैन इस वजह से नहीं खड़ा हो पाता क्योंकि कारी 70 खुद सही तरीके से नहीं खड़ा हो पाता। और अब जरा आप लोग इस जनाब के काम भी चेक करें जो कि इस कुत्ते के साथ ही प्रैंक कर देता है। और दोस्तों आप लोगों ने वैसे तो काफी तरह के सिंगर्स देखे होंगे, लेकिन यार सिंगिंग की फील्ड में इस बंदे का अपना ही एक अलग मकाम है। जरा आप लोग इसका ये गाना भी सुने। मिस्टर लावा लावा हू, मिस्टर लावा लावा हू, खावे जलावा हू, आई एम अ मास्टर, बड़ा मास्टर, जबरदस्त मास्टर। वैसे यार इतना सैड गाना, इतना ज्यादा सैड गाना, इसे सुनने के बाद तो मेरे नाक से आंसू आ गए। वैसे यार आपस की बात है कि जब मैं पेपर लिखने के लिए जाता हूँ तब मेरा दिमाग भी कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। और इस प्रोफेशनल कैमरामैन के तो क्या ही कहने हैं, जरा आप लोग इसका प्रोग्राम बढ़ता हुआ भी देखें। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। गया। और अब जरा आप इन लोगों के काम भी चेक करें जो कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन शायद गाड़ी में बैठने के लिए इन्हें इतने ही बंदे मिले। ओ थोड़ा लाल लाल हो बोलो यार, ओ थोड़ा लाल लाल हो। अरे वो दो बंदे रह गए सर जी, वो सॉन्ग तो आपने सुना होगा। वैसे यार कुछ बंदे तो डिगी में भी आ ही जाने थे, थोड़े से दोस्तों से और रब्ता कर लेते हैं। और इस जगह पर टीचर के पीछे मुड़ते ही सब लोग अपनी जगह पर वापस बैठ जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो कुछ ज्यादा ही मस मलंग बनने के मूड में थे, तो देखे फिर हो जाता है सीन।
दोस्तों अब जरा आप लोग पहले तो ये वीडियो चेक कर रहे हैं। वैसे यार ये वीडियो देखने के बाद मैं इस बंदे से कहना चाहूंगा जो कि बाइक के आगे आया है, भाई तेरी किस्मत तेरा क्या साथ देगी, तेरी तो दोनों टांगे ही तेरा साथ नहीं दे रही। और ये लड़का तो आज शायद कुछ ज्यादा ही फॉर्म में चल रहा है, जरा आप लोग इसे वॉलीबॉल खेलता हुआ भी देखें। नो 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 और दोस्तों इस वीडियो में जरा आप इन लोगों के काम भी चेक करें कि जिन्होंने इस जगह पर अपना अलग ही वखरा शुगर लगाया हुआ है। मजा आया। और जरा आप इस बंदे के काम भी चेक करें जो कि सोए हुए आदमी को जगाने के लिए क्या तरीका आजमाता है। और अब जरा आप लोग बाहर मुल्क बैठे हुए इस लड़के के काम भी चेक करें जो कि वहां पर भी अपना पाकिस्तानी होने का पूरा सबूत देता है। और ये वीडियो मेरी उन स्नैपचैट यूजर्स दोस्तों के लिए है कि जिन्हें हर थोड़ी देर में कोई ना कोई स्नैप भेजने की चुल है कि कहीं उनकी स्ट्रीक ही ना टूट जाए, भाई चाहे स्नैप कुछ इस तरह के ही क्यों ना हो। कौन है ये लोग? और दोस्तों आप लोगों ने बॉलिंग करवाने में दया का स्टाइल तो देखा ही होगा। और ये दया भाभी की दूसरी। लेकिन यार वो स्टाइल अब पुराने हो गए हैं, मार्केट में अब नए स्टाइल आ गए हैं। जरा आप लोग इस बंदे के काम ही चेक करें। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इलेक्शन बिल्कुल आने ही वाले हैं, जरा आप लोग इस बंदे की बात सुने कि ये वोट किसे देगा। किसको दे रहे हो? जो मेरी शादी करवाएगा उसको दूंगा। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। और ये बंदा डेली लोगों के यहाँ चाय का मुफ्ता मारने के लिए पहुँच जाता था, लेकिन आज शायद इस लड़के ने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने आज इसे चाय का एक घूंट तक नहीं देना। तो देखे फिर ये इसे क्या कहता है। और अब जरा आप इस वीडियो में देखें कि इन लोगों का बारबेक्यू करने का प्रोग्राम कैसे बढ़ता है। और वीडियो बनवाने के लिए लड़का बाबा जी से गाजर तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन यार बाबा जी की तो सारी कोशिशें नाकाम ही हो जाती हैं। काबू तोड़ो ना, वीडियो बन रही है। बाबा भी लाए, यार मेरे तो दांत ही नहीं है, गाजर मैं क्या होठों से तोड़ूं। और दोस्तों या तो ये बंदा कुछ ज्यादा ही सादा है या फिर ये सादा बनने की कोशिश कर रहा है, जरा आप लोग इसकी बात भी सुने। ऐसे गेनमन को पर तो यकीन होने लगा। अगली बार है आज जुमरात है। जुमरा का नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके।